हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इसको क्लासेस। ऑनलाइन क्लास के लिए चैनल शुरू हो गया है, सभी लोग जुड़ने का कोशिश करें। स्वागत है नूतन कुमारी, बबलू कुमार, आप सभी को और हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग जितना भी जल्दी हो सके क्लास शुरू करें। वेलकम विकी जी, आज भागिएगा नहीं, कल हम लोग ढूंढ रहे थे आपको। दीदी आज कहाँ रह गई? बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है क्या आप लोगों को, जैसे टीवी का या अदर वॉइस? कहाँ है नूतन? संजू को जोड़वाइए। ठीक है, थोड़ा सा आप करता हूँ। हेलो, स्वागत है असीम जी आपको भी मेरे चैनल पर।
दीपक जी छूट गए हैं आज, अभी तक नहीं आए हैं वो। चलिए क्लास शुरू किया जाए और रुका जाए, वेट कर लिया जाए। बबलू जी, क्या क्लास शुरू किया जाए? ठीक है विकी जी। चलिए दोस्तों, कल हम लोग ने पढ़ा था टाइप थ्री का करीब 2 क्वेश्चन हुआ था, है ना? फर्स्ट आज चलेंगे टाइप थ्री का ही चलेंगे आज हम लोग, और 3 क्वेश्चन चलेंगे टाइप थ्री का, 3 क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। सब लोग हम लोग एज पढ़ रहे थे। चलिए सभी लोग पेन कॉपी सब उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? सभी लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए और आपके पास मात्र 30 सेकेंड का समय है। क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। टाइप थ्री का 3रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। कल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बबलू जी आंसर बताइए। वसीम जी, आप हम
मेरे क्वेश्चन को देख पा रहे कि नहीं? क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। ध्यान ये दीजिएगा कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ना कि वर्तमान आयु है। और हम लोगों के पास ये जो दिया हुआ है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग जो दिया हुआ है 90 वर्ष, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है। ठीक है, जो योग दिया हुआ है ये वर्तमान का योग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी है ना, 90 वर्ष कुल योग, 6 वर्ष पहले देखिएगा, तीन व्यक्ति है ए बी सी, ये 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 था। तो हमारे पास कितने व्यक्ति है टोटल, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति है ना, तो तीनों व्यक्ति का 600 गुना कर दीजिएगा तो 3×6=18 वर्ष अगर हम 90 में घटा देंगे, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 72। ये मेरा 6 वर्ष पहले पहुंच गए। ठीक है, देखते हैं बबलू जी आपका आंसर 42 है ना, देखते हैं कितना आता है। सो तो 6 वर्ष पहले पहुंच गए हम लोग, 72 वर्ष। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब योग दिया हुआ था तो अपना भी योग ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों रेशियो को जोड़ दीजिए, 3×3 कितना हो गया 6, अपना जो बुक में योग दिया हुआ है उसे ऊपर और अपना जो है उसे नीचे, जिसका निकालना है उसे बगल गुना में लिखिए। तो किसका निकालना है, सी की आयु निकालना है ना, तो सी को गुना में लिखिए, 6 से काट दीजिए, 72 और कितना हो गया 12 से 300 गुना कर दीजिए, 36। तो देखिए ये जो 36 निकला ना, ये आपका 6 वर्ष पहले का निकला। हमको वर्तमान में आना है, तो हमको वर्तमान में आना है, बबलू जी आप पहले आंसर ठीक बताए थे, हमको वर्तमान में आना है तो 6 वर्ष जोड़ना होगा ना, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का था। तो 6 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष हो गया दोस्तों। बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं तो माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसा। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो 6 वर्तमान को ध्यान में रखिए और पहले का और बाद का। चलिए, जो जिन लोगों से नहीं बना वो लोग फटाफट नोट कीजिए। जिन लोगों से नहीं बना हुआ क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उनको दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ सब हम लोग फ्रेंड लोग हैं, सो लजाने और शर्माने का कोशिश मत कीजिएगा, सीखिएगा ज़रूर। एक बार सीख जाने से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से आप कभी भूलिएगा नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखिएगा, सब लोग नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। रीता गीता सीता की वर्तमान आयु का योग, रीता गीता सीता की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात
3:4:6 था। 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को नोट करके और जल्द से जल्द क्वेश्चन को बनाकर आंसर बताइए। सिर्फ यहाँ पे ये दिया है जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या किया है ना, 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछा है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा वो इसका आंसर जरूर दीजिए, वही आंसर दे सकते भी हैं। चलिए बबलू जी का 64 आ रहा है, नूतन जी बताइए आंसर बताइए, विकी जी, वसीम जी, चलिए देखते हैं बबलू जी इसका आंसर कितना आता है। जिन लोगों से नहीं बना वो लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए रीता गीता सीता की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष था ना, जितना दिया हुआ था उसको लिख लीजिए। 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है? देखिए 5 वर्ष पहले का आयु का अनुपात, मेरे पास कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे कि 6 वर्ष पहले का था, तो 6 वर्ष पहले का था, 3 व्यक्ति थे, 3 से गुना करके क्या किए थे हम लोग, घटाए थे, तो मतलब क्या किए थे कि 6 वर्ष पहले चल गए थे हम लोग। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है और सेम ही करना है। तो देखिए 3 व्यक्ति है ना, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घटा दीजिए, 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 65। ये मेरा क्या गया कि 5 साल पहले का योग आ गया, ये 5 साल पहले का योग आ गया, 5 साल पहले का योग आ गया, तो क्या हो गया 65। अपना भी तो योग निकालेंगे, अपना भी तो योग निकालेंगे हम लोग, जो कि 3, 4, 6 का रेशियो दिया हुआ है, सबको जोड़ दीजिए, 6, 4, 10 और 3, 13। देखिए जोड़ने का भी एक ट्रिक होता है, जितना आसान सब जोड़ते, 6, 4, 10, 10, 3, 13, तो अपना जो टोटल आया उसे नीचे लिखिए, उसके बाद जिसका निकालना हो उसे गुना में लिखिए, लॉजिक से खेलिए। 8 वर्ष किसका निकालना है, 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा। देखिए 8 वर्ष का अभी यहाँ कुछ मत कीजिए, इसका काम सबसे लास्ट में होगा। तो बी की आयु क्या होगा, तो बी का रेशियो कितना है, 4 से गुना कर देंगे, 13×5 65, 5 चौका 20 हो गया। ये जो 20 निकला ना, ये 5 वर्ष पहले का निकला, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग घटाए थे ना गुना करके, तो ये 65 आया ना, तो 5 वर्ष पहले का आया था ना, इसलिए यहाँ 5 वर्ष पहले का आया। तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष आप जोड़िएगा तो 25 वर्ष हो जाएगा, वर्तमान में अभी इसका उम्र 25 वर्ष हो रहा है। बबलू जी देखिएगा, वर्तमान में उम्र इसका 25 वर्ष हो रहा है, अब बोलता है 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा। अगर वर्तमान उम्र पूछता ना तो इसका आंसर 25 वर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा, 8 इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 8, 5, 13, 2, 1, 3, 33 वर्ष आपका आंसर निकल के आएगा बबलू जी, 33 वर्ष। चलिए सभी लोग नोट कीजिए, जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं, और उनको बताया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है दोस्तों, ताकि जो भी क्वेश्चन मिले हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है बबलू जी चलते फिर से, देखिए बबलू जी मेरा कहने का मतलब है ना, क्वेश्चन पकड़ने का एक तरीका होता है,
क्वेश्चन हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पे देखिए, रीता गीता सीता की वर्तमान आयु का योग दे दिया था मेरे पास 80 वर्ष। आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास जो योग दिया है ना, ये वर्तमान का है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, देखिए ये 5 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया है ना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब यहाँ योग दिया हुआ है तो हम भी अपना योग देखें, लेकिन इससे पहले क्या करना है कि ये वर्तमान उम्र है ना, तो 5 साल पहले हम भी जाएंगे, तो 5 साल कितने व्यक्ति थे, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, रीता गीता सीता 3 व्यक्ति थे। तो हमने क्या किया, 5 साल जो था 100 और 3 व्यक्ति से गुना कर दिए, तो टोटल तीनों को 55 साल लीजिएगा ना आप, तो तीनों को 55 साल लीजिएगा तो 15 साल हो जाएगा। तो 15 साल जब आप मेहनत कीजिएगा ना, तो इसको घटाने पर 65 जो आएगा, ये मेरा 5 साल पहले का योग आया, ये योग जो वर्तमान योग था ना 80, उससे हम लोग क्या किए, 5 साल पहले चल गए तीनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति पहले गए, तो हमारा 5 साल पहले योग कितना हो गया, 65 वर्ष हो गया। अब देखिए 5 वर्ष पहले का मेरे पास अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 4 6, तीनों को अब हम लोग जोड़ दिए, 6 4 10 और 3 13, 13 से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए, ठीक है, और डिवाइड कर दिया, जिसका निकालना था उसे गुना में कर दिए, बी का पूछा था ना, बी से 4 से गुना कर दिए, इसको काट दिए हम लोग, 13 5 65 5 6 20, ठीक है। तो हम लोग जाने, ये जो 20 आया ना, अभी हम लोग जाने कि ये 5 वर्ष पहले का आया, तो हमको वर्तमान में आना है, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, क्योंकि वो 5 वर्ष पहले का था। तो अब हम लोग वर्तमान में आए तो जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 25 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, तो 8 वर्ष जोड़िएगा तब ना पता चलेगा। मान लीजिए अभी मेरा उम्र 25 वर्ष है और पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद तेरा उम्र कितना होगा, तो 8 वहाँ जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 8 वर्ष बाद मेरा उम्र 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सभी लोग नोट कीजिए। बबलू जी क्लियर है आपका, बबलू जी हम लोग सब फ्रेंड लोग हैं, सर यहाँ कोई नहीं है, चलिए मुझे लगता है सभी लोग का क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट टैप लेकर आया हूँ, ओके दोस्त, ओके मिलेंगे आपसे। दोस्तों एज का टाइप 4 लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि बुक में जैसा भी क्वेश्चन मिले, चाहे जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करना है। मैं हर तरह से क्वेश्चन अभी दूंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं, टैप में ही आप पढ़ सकते हैं अच्छा से, और टैप को अगर जो नहीं पढ़ेगा वो क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएगा, टैप में सारा कुछ क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, टैप नंबर 4 हेडिंग दीजिएगा, अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, राधा और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राधा और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यह, अनुपात पर आधारित प्रश्न, और एग्ज़ाम में आने का 90% है
यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अनुपात पर आधारित प्रश्न, और इसका जितने प्रकार से पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये तो सिंपल सा है, चलिए जो लोग बना पाते हैं वो लोग बनाइए, आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ आप सभी को, शायद इससे आपका क्लियर हो जाए अनुपात पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन। देखिएगा, राधा और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात मेरे पास कितना है? 4:5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? देखिएगा, प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस अगर लग गया ना समझिएगा 5 वर्ष बाद का है, अगर माइनस अगर लिखेंगे तो समझिएगा ये 5 वर्ष पहले का है। तो देखिए 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, ठीक है। देखिए ये राधा है और ये श्याम है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखिए ना कि देखिए ऊपर ये दोनों का डिफरेंस देखिए, 4 का और 5 का डिफरेंस देखिए कितना का है, 5 का और 6 का डिफरेंस देखिए, ये दोनों का, ये दोनों राधा और श्याम का ना इक्वल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया, 4 में 5 घटेगा तो कितना बच गया, 1, 6 में 5 घटेगा तो कितना बच गया, 1, ये इक्वल आ गया ना, इसलिए हम मेरा क्वेश्चन इजी बन गया। तो देखिए ये जो आता है ना इक्वल 1, इसे क्या कीजिए, और ये 5 वर्ष है 100, इसे 5 वर्ष देखिए 1 1 = 5 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे लिखिए 5/1, ठीक है, क्योंकि ये भागा में ही है, बराबर के इधर है तो भागा में है, तो 5 ऊपर में लिखिए और बटा में लिखिए 1, जिसका निकालना है, जिसका निकालना है ए की राधा, सॉरी यहाँ पे राधा होगा, राधा की वर्तमान आयु कितनी है, राधा का वर्तमान रेशियो कितना दिया हुआ है, 4 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 5 चौका 20, आपके पास राधा का वर्तमान उम्र निकल गया। अगर आप 5 वर्ष नीचे वाला से भी अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये तो 5 ऊपर रहेगा ही, नीचे 1 जो मेरा डिफरेंस आया था 1 का × 5 है ना, 5 लिख दीजिए, 5 × 5 = 25, अब बताइए 25 आया ना, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें क्या कीजिए 5 माइनस कर दीजिए तो वर्तमान में आ जाइएगा ना, तो 20% सर, दोनों रेशियो से आप निकाल सकते हैं ना कि एक रेशियो से, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अनुपात पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सभी लोग नोट कीजिएगा, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है, मेरी और तेरी लिखना था दोस्तों, इसे गलत मत समझिएगा, ये गलती से लिखा गया है। लिखिएगा
मेरी तथा तेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मेरी की आयु कितनी होगी? सभी लोग नोट कीजिए क्वेश्चन को और जिनसे बन सकता है क्वेश्चन को बनाइए। नूतन आंसर बताइए आप लोग। बबलू कुमार जी का 15 आ रहा है। विकी चलिए देखते हैं बबलू जी इसका आंसर कितना आता है। सो बबलू कुमार जी का 20, ठीक है देखते हैं। मेरी तेरी की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4, 3:4। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, देखिए 10 वर्ष तो माइनस लगा दीजिए, 10 वर्ष पूर्व उसका अनुपात कितना होता है, 4:7 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का, और इसका डिफरेंस देखिए 4 और 7 में घटाएंगे तो 3 का, दोनों का तो इक्वल आया नहीं। अब क्या करेंगे, तो घबराना नहीं है, सिंपल सा है, हम लोग अब इसमें और इसमें डिफरेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लिख दीजिए, 3 और 4 में कितना का डिफरेंस है, 1 का है ना, 1 वाला क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे पे लिखिए, ऊपर वाला का नीचे लिखिए घटाकर, और नीचे वाला को घटाकर ऊपर लिखिए, 7 में 4 गया तो कितना हो गया, 3। अब क्या कीजिए, इसको ना यहाँ से इसको मल्टीपल कीजिए ये दोनों को, ऐसा करने से आपका नया रेशियो आ जाएगा। देखिए तो क्या था, मेरी वाली और तेरी वाली, ठीक है। तो मेरी वाली के क्या, 3 * 9 गुना कर दिए, 3 * 4 = 12, इससे 1 से गुना करेंगे, 1 * 4 = 4, 1 * 7 = 7, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का घटाना, फिर हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस लाना ही है, इक्वल आ जाएगा दोस्तों। देखिए 9 में 4 गया तो 5, 12 में 7 गया तो 5, इक्वल आ गया ना। तो मेरे पास कितना वर्ष पहले का था, 10 वर्ष पहले, 10, और जो मेरा घटाने पर जो आया ना इक्वल, उसे नीचे लिखिए 5/2 में। किसका निकालना है, 5 वर्ष बाद मेरी वाली की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद मेरी वाली की पूछा ना, मेरी वाली की कितना निकला रेशियो, 9, ठीक है। तो गुना का 9 कीजिए, ठीक है, काट दीजिए, 5 * 2 = 10, 9 * 2 = 18, ठीक है, 18 हुआ, 18। तो देखिए कोई बात नहीं, विकी जी बना रहे हैं इसको, देखिएगा समझिएगा। अब देखिए 18 आ गया मेरे पास, तो ये क्या निकला, मेरा वर्तमान उम्र निकल गया 18 वर्ष। अब बोलता है कि 5 वर्ष बाद मेरी वाली की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद मेरी वाली की आयु कितनी होगी, तो 18 में 5 जोड़ दीजिए, 8,
23 वर्ष। आपके पास 23 वर्ष आंसर निकल के आ गया। बबलू जी कहाँ मिस्टेक कर गए आप? इसका आंसर 23 वर्ष होगा। चलिए सभी लोग नोट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोलिए, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। सभी लोग नोट कीजिए, दीदी कहाँ है? दीदी नहीं दिख रही है कहीं। विकी क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में सात अनुपात 3 के अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? चलिए पीछे जैसे हम लोग सोल्यूशन किए ना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझना है लास्ट में, ठीक है? और बनाइए क्वेश्चन को, आंसर बताइए। कोशिश कीजिए बबलू जी बनाने के लिए। बबलू जी का 30 आ रहा है आंसर। आप सब लोग भी जल्दी जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए जिनसे नहीं बना क्वेश्चन, नूतन जी का 25 आया है, नूतन जी का 25। चलिए जिनसे बन गया है
देखते हैं कि इनका आंसर सही हो रहा है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 का है, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितना है? 3:1 का। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद, बाद बोला इसलिए प्लस लगा दिए, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 7:3 हो जाता है, ठीक है। बस इसका काम कीजिए, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 और 1 में 3 घटाएंगे तो 2, दोनों का इक्वल नहीं आया ना, दोनों का इक्वल नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला घटा के नीचे लिखते हैं, 3 में 1 घटेगा तो कितना बचा, कितना का अंतर था 2 का, 7 में 3 घटा तो कितना गया 4, ठीक है। तो नीचे वाला घटाकर ऊपर लिखना है, ऊपर वाला घटाकर नीचे लिखना है। अब क्या करना है, ये जो 4 आया ना, इस 4 से इसको गुना करना है, 3 को और 1 से मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। इसको भी 7 को 2 से करना है, 2 को फिर 3 से गुना कर देना है। इसको गुना करने से क्या होता है ना, आपका नया रेशियो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 4 × 3 = 12, 4 किसका, ये देखिए ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 7 × 2 = 14, 2 × 6, दोनों का डिफरेंस देखिए। अब फिर से नीचे ऊपर नीचे देखना है, 12 × 14, 14 में 12 गया तो कितना आ गया 2, इसका भी डिफरेंस 4 में 6 गया तो 2। देखिए दोनों का इक्वल आ गया ना, अब दोनों का इक्वल आ गया, कितना वर्ष बाद था, 5 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका बाद में रहता है उसे ऊपर में लिखते हैं, और जो इक्वल आता है ना उसे बट्टा में लिखते हैं, और जिसका निकालना है उसे गुना में। तो किसका निकालना है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है पिता की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पिता का वर्तमान रेशियो नया कितना आया, 12 आया ना, दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं, 12 आया तो चलिए वर्तमान से ही चलते हैं। तो लिख दीजिए 12, ठीक है। इसका काम कीजिए, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, वर्तमान उम्र आ गया पिता का कितना, 30 वर्ष के हैं, लेकिन पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले जाना था ना, तो 5 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में घटा देंगे, तो मेरा पास आ जाएगा पिता का उम्र 25 वर्ष। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। नूतन कुमारी और विकी पांडे जी का सही हुआ है आंसर। वेरी गुड विकी जी और नूतन जी, कोई बात नहीं बबलू जी, कहीं मिस्टेक हुआ होगा आपसे। चलिए जिन लोग से नहीं बना वो लोग नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अबर देखता हूँ कि कौन कौन बना पाते हैं, सबसे पहले आंसर किसका आता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट लग रहा है सबका क्लियर होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, सब लोग नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। देखिए 10 वर्ष बाद, ठीक है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखिए दोस्तों एक नया चीज़ आ गया, यहाँ पूछ दिया है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। चलिए कुछ नहीं करना है, दोनों का आयु निकाल कर एक दूसरे में घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। आंसर बताइए,
जो प्रोसेस है उसी से बनाइए, ये शॉर्ट विधि है। जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग। चलिए अभी तक किन्हीं का भी नहीं आया, फिर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो प्रोसेस था वही करना था। ए और बी की आयु का अनुपात 9:16 है ना, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये वर्तमान का ही रेशियो दिया हुआ है। यहाँ बोले या ना बोले, जहाँ पहले और बाद का बोलेगा वहाँ क्लियर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। और जहाँ इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ मिलेगा, समझिएगा वो वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान का रेशियो कितना है, ए का और बी का, देखिएगा 9:16 है, ठीक है। अब बोलता है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिएगा प्लस कर दीजिए 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, 2:3 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस देखते हैं ऊपर नीचे में, तो दोनों का इक्वल तो नहीं लग रहा है, ये 16 में 3 है, ये 9 में 2 है, अलग अलग आ रहा है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए, ऊपर वाला घटाकर नीचे लिखिए, बहुत ही आसान विधि है दोस्तों। 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 7, 2 में 3 गया तो कितना बचेगा, 1। अब हम लोग का नया वैल्यू आ जाएगा रेशियो, गुना कर दीजिए 1 को 9 से, ठीक है, फिर 16 को 1 से, 1 से 9 को, फिर 1 से 16 को, ठीक है। तो 1 9 9 ही आएगा और 16 ही आएगा, फिर इसको 7 से गुना कीजिए, 7 दुनी 14 और 7 तिया 21, 7 से दोनों से गुना कर दिए दोनों में, ठीक है, नया वैल्यू आ गया। अब दोनों को घटाइए, 14 में 9 गया तो कितना बचेगा, 5, 21 में 16 गया तो कितना बचेगा, विकी पांडे जी का 14 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं विकी जी, 5, ठीक है, दोनों का इक्वल आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद दिया था तो 10 को ऊपर लिखिए और जो मेरा इक्वल आया ना उसे नीचे लिखिए। किसका निकालना है, दोनों का उम्र निकालना है, तो दोनों को गुना में लिखिए, 9, तो काटिए इसको, 5 दुनी 10, 9 दुनी 18, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर कितना है, बी का है ना, बी का कितना, 16, 16 से गुना कर दीजिए ना 2 को, 16 दुनी 32, दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर पूछा था, घटा दीजिए तो कितना होगा, 12 में 8 गया तो 4, 3 में 2 में 1 गया तो 1, 14 आंसर आएगा आप इसका, दोनों का अंतर। विकी पांडे जी बहुत बहुत अच्छा है, गुड, 14 आंसर। चलिए नोट कीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलिएगा, रिपीट करेंगे क्वेश्चन को।
चलिए हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट टैब की ओर। टैब नंबर फाइव और हेडिंग है गुणा पर आधारित प्रश्न। मैं हर प्रकार से आपको टैब में करवा दे रहा हूँ, जो कि किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप पढ़े पढ़े रहिएगा, तभी बना पाइएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग गुणा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन, गुणा पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर वन लिखिएगा। ए तथा बी की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, तो बी की आयु कितनी है? तो बी की आयु, बी की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, कितनी है? कौन कौन बना पाइएगा इस क्वेश्चन को? सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए तथा बी के आयु का योग 49 वर्ष है, ठीक है, दोनों का योग कितना दे दिया है? 49 वर्ष, ठीक है, 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, कितने साल पहले? देखिए, ये सबसे पहले क्या कीजिए, 4 गुनी थी ना, यहाँ पे रेशियो में ले आइए, कितना था? देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो कल मैंने बताया था कि ए की आयु बी की आयु की कितना गुना था? 4 गुना था। तो देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बटे का बी बराबर 4 बटे का, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, ठीक है, तो ए का वैल्यू निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो कितना साल पहले, देखिए ये जो दिया हुआ है ना, 7 वर्ष पहले का, ठीक है, और ये 49 जो योग दिया हुआ है ये वर्तमान योग दिया हुआ है, तो 7 वर्ष पहले जाने के लिए ए का सात वर्ष फिर बी का 7 वर्ष, दोनों को घटा देंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 35। ये मेरा 7 वर्ष पहले का योग निकल गया, जैसे कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी जस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, पीछे क्वेश्चन, पिछला पिछला क्वेश्चन ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें गुणा पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही आसान, उसको रेशियो में ले आइए। ठीक है, तो अपना योग कितना आया, देखिए ए का 4 और बी का 1, दोनों को जोड़ दीजिए, अपना योग कितना आया? 5। ठीक है, निकालना किसका है? बी की वर्तमान आयु निकालना है, बी का गुना मिल कर दीजिए, बी का वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, 1, तो इसको काटिए, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है, 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 7, 7 आ गया ना। ये जो 7 आया, ये 7 वर्ष पहले का उम्र है मेरा, 7 वर्ष
मेरा वर्तमान उम्र बताओ, मेरा वर्तमान उम्र कितना हो रहा है? 7 वर्ष पहले मेरा 7 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना होगा? 7 जोड़ना होगा, ठीक है? तो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 14, 14 ईयर्स का मैं हूं, वर्तमान उम्र मेरा 14 साल हो गया, ये आपका आंसर आएगा। चलिए सभी लोग नोट कीजिए। सभी लोग नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, सब लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ए व बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। देखिए अभी योग दिया हुआ था और अभी क्या पूछ दिया, अंतर दे दिया है। क्वेश्चन यहां पकड़िएगा, तो अंतर दिया तो हम भी अपना अंतर ढूंढेंगे। रुको, क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। ए व बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। देखिए 6 वर्ष पहले की दिया हुआ है यहाँ गुनागुनी, तो इसका हम लोग रेशियो पहले सबसे पहले निकालेंगे। रेशियो हम लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे? ए की आयु बराबर बी की आयु का कितना गुना? 3 गुना। तो ए बटे का बी बराबर 3/1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है? तो ए का वैल्यू निकल गया 3 और बी का वैल्यू निकल गया 1, ठीक है? अब देखिए ए व बी की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले, अब हम लोग को इसमें घटाना होगा ना 6 वर्ष पहले जाने के लिए। तो देखिए दो व्यक्ति का है ना, जो है सब में, जो जो बताया जा रहा है आपको सब में काम करना है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा ए और बी दोनों का है ना, तो 6 वर्ष इसका और 6 वर्ष इसका घटा देंगे हम लोग, ठीक है? घटा देंगे तो कितना, 12 वर्ष मेरा कितना घट कर कितना आ गया? 8 वर्ष। ये 6 वर्ष पहले मेरा दोनों का योग कितना हो रहा था? 8 वर्ष का था दोनों का योग। ए व बी का अंतर है, अंतर, सॉरी, अंतर था 8 वर्ष, ठीक है? 8 वर्ष निकल के आया। तो हम भी देखिए, अब हम भी तो अपना अंतर देखेंगे, ए और बी का अंतर कितना है? 3 और 1 का है, तो दोनों में घटाएंगे तो कितना निकल गया अंतर? 2। किसका निकालना है? बी की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, बी की वर्तमान, बी की रेशियो कितना है? 1, बी का वैल्यू 1 है ना, उसे गुना में 2 से इसको काट दिए, 2 चौका 8, 4 का 4 गुना कर दिए। ये जो 4 निकला ना, ये जो 4 निकला ये आपका 6 वर्ष पहले का निकला, ये जो 4 निकला 6 वर्ष पहले का निकला, 6 वर्ष पहले का निकला। इसका वर्तमान उम्र बताइए, वर्तमान में आने के लिए आपको 6 जोड़ना होगा, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। ये आपका वर्तमान उम्र हो गया। आपका आंसर 10 वर्ष निकल कर आ गया। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो पूछता है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। विकी जी, बबलू जी, नूतन जी, क्या आप लोगों का क्लियर हो रहा है? चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन कीजिए, सबका वैल्यू निकालिए। क्या ये क्वेश्चन बनेगा विकी जी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है बबलू जी, बहुत बता रहे हैं उस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। देखिए वेरी सिंपल में समझना है, जैसे कि ए है ना और बी है, तो यहाँ बोलता है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, तो यानी कि बी 1 गुना था, तो ए कितना था? 2 गुना। क्वेश्चन पढ़े, ठीक है बबलू जी, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ फिर से एक बार। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी है, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। चलिए तो देखिए, हम लोग का ए की आयु बी की आयु कितनी थी? 2 गुनी थी बी की आयु का, तो बी कितना हो गया? 1 गुना, तो ए कितना हो गया? 2 गुना, तो हो गया ना एक दूसरे से आधी है ना। चलिए नेक्स्ट, 8 वर्ष पहले, पहले का बात है, माइनस कर दीजिए। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए बी जो था 1 गुना था, तो ए कितना था? 4 गुना था। अगर आपको ऐसे निकालने में कन्फ्यूजन है, तो आपको बहुत ही इजी तरीका बताए हैं कि ए की आयु बी की आयु का 2 गुना था, तो ए बटे का बी कर दीजिए इज इक्वल टू 2y, या कुछ नहीं है तो 1। देखिए ए का वैल्यू 2 निकल गया और बी का वैल्यू 1, दो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ भी 4 और 1 जो निकला, इस प्रकार से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जो हम लोग करते आए हैं, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0। इक्वल तो नहीं आया ना, हम लोग का इक्वल लाना है। अब नहीं आता है जब इक्वल, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरे में घटाते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला घटाकर नीचे लिखते हैं और नीचे वाला घटाकर ऊपर लिखते हैं, 3। इसे करने से, हाँ विकी जी, देखिए देखिए समझिएगा इसको। हाँ तो देखिए, हम लोग यहाँ घटा लिए ना। अब क्या करते हैं, नया वैल्यू निकालने के लिए 3 से ए और बी दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 का
फिर एक से गुना कीजिए, एक चार से, इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू फिर से देखना है इक्वल आया कि नहीं। छः में चार गया तो दो, तीन में एक गया तो दो। देखिए दोनों का इक्वल आ गया ना। अब क्या कीजिए, आठ वर्ष पहले का था ना, तो आठ को ऊपर और मेरा जो इक्वल आया उसे नीचे लिखिए, गुना में जिसका निकालना हो, किसका, आठ वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। आठ वर्ष बाद बी की आयु कितना ना, तो बी का वैल्यू कितना आया मेरा, देखिए ये एक आया, ये बी का आया, तो बी का वैल्यू वर्तमान, ये ऊपर वाला वर्तमान है और नीचे माइनस आठ वर्ष पहले का है। ठीक है, आठ वर्ष पहले का है, तो देखिए बी का वैल्यू कितना आया, थ्री। काट दीजिए इसके, दो चौका आठ, चार तिया बारह, ये जो निकला वर्तमान निकल गया मेरा कितना, बारह वर्ष का है। ठीक है, ये वर्तमान, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, आठ वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी, आठ वर्ष बाद बी की आयु कितना, वर्तमान अभी बारह हो रहा है तो आठ जोड़ देंगे। ठीक है, आठ हम लोग जोड़ देंगे तो बीस वर्ष आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, तो आपका आंसर बीस वर्ष। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका आंसर 20 वर्ष, सभी लोग नोट कीजिएगा। नूतन जी लिख रहे हैं क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको क्लियर नहीं हो रहा होगा बोलिएगा, उनको फिर से बता दिया जाएगा। अभी जितना भी हम लोग अनुपात पर आधारित प्रश्न किए सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ लिखने का तरीका अलग है और क्वेश्चन बनता सेम है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नूतन जी, 10 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन नंबर 4, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु का दो गुनी थी, आदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं आज। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दो गुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विकी जी इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए क्या, बबलू जी क्या कहते हैं। ठीक है बबलू जी, वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा है क्वेश्चन लॉन्ग। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है उनसे क्वेश्चन बन जाएगा।
विकी जी, कुछ तो बोलिए। नहीं बना बबलू जी, चलिए मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को। विके जी, क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, बबलू जी का कहना है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को, और पहले से थोड़ा सा कुछ अलग है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पास में ही रखता हूँ, आप लोग क्वेश्चन वो भी पढ़ते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन जैसे बोलता है ना वैसे करने के लिए सबसे पहले सीखिए। सबसे पहले आइए, 10 वर्ष पूर्व, देखिए 10 माइनस लगा दीजिए, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु का कितना था? 2 गुना था। ठीक है, किसका? रोहित की आयु। देखिए, रोहित की आयु मोहित की आयु का 2 गुना था। फिर बोलता है, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ये प्लस कर दीजिए, ये 10 वर्ष बाद का है ना, किसका आयु? मोहित की आयु। 10 वर्ष बाद ये मोहित की आयु, ठीक है, कितना वर्ष हो जाता है? 40 वर्ष बाद। देखिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग बताइएगा, ये 10 वर्ष बाद ना मोहित की आयु 40 वर्ष हो रहा है, तो हमको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? 40 में 10 घटा देंगे, ये 10 वर्ष बाद का है ना, 40 में 10 घटा देंगे तो मेरे पास 30 वर्ष जो आ जाएगा, ये मोहित का वर्तमान उम्र आ जाएगा। कितना? ठीक है, कितना आ गया? वर्तमान उम्र 30 वर्ष आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, रोहित मोहित का 2 गुना, मोहित 10 वर्ष पहले का ना, तो हम भी जाएंगे आगे, मोहित का उम्र 10 वर्ष पहले माइनस 10 वर्ष पहले मोहित का आयु कितना होगा? ठीक है, तो 30 में 10 घटा देंगे हम लोग, 30 में 10 घटा देंगे तो ये 10 वर्ष पहले का मोहित का आयु कितना था? ये मोहित का आयु 20 वर्ष का था। तो ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर तो 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु का 2 गुना हो रहा था, 10 वर्ष पहले का बात कर रहा था ना, इसीलिए हम लोग 10 वर्ष पहले में चले गए हैं। ठीक है, तो मोहित का आयु उस वर्ष 10 वर्ष पहले कितना हो रहा था? 20 वर्ष। तो 20 गुने का 2 इससे गुना कर देंगे तो रोहित का आयु कितना निकल जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है, रोहित का आयु जो 40 वर्ष निकला ना दोस्तों, ये 10 वर्ष पहले का निकला। यहाँ पे देखिए, ये 10 वर्ष पहले का बात कर रहा था ना, जो कि मोहित को भी हम लोग 10 वर्ष पहले लाए तो 20 वर्ष का हो गया। तो रोहित का उम्र जो निकला ना, ये 40 जो निकला 10 वर्ष पहले का निकला, हमको अब वर्तमान में निकालना है। वर्तमान में रोहित का उम्र कितना होगा दोस्तों? 40।
मैंने 10 साल पहले का था ना, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो 50 वर्ष आपका निकल कर आ जाएगा रोहित का वर्तमान आयु आंसर। क्या क्लियर है बबलू जी, विकी जी, क्लियर हुआ? फिर से चलें? ठीक है, फिर से हम लोग समझेंगे इसको। देखिएगा फिर से, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। चलिए इसको हटाते हैं और फिर से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाए और इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो। क्यों, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, देखिए 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष पहले, पहले किसका, रोहित का ना, रोहित की आयु बराबर मोहित की आयु का कितना गुना था, क्वेश्चन में बोला है 2 गुना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, उसके बाद देखिए, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाता है, देखिए यहाँ भी तो मोहित है ना, और यहाँ क्या कर रहा है ना कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, इसका एज दे दिया है कितना, देखिए 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी है, जैसे बोलता है क्वेश्चन में लिख दीजिए दोस्तों, 40 वर्ष का है। तो ये 10 वर्ष बाद का ना दिया हुआ है इसका 40 वर्ष, इसका वर्तमान उम्र में जाने के लिए, मान लीजिए अभी मेरा मेरा 10 वर्ष बाद बोला, अभी मेरा कितना उम्र हो रहा है, 30 वर्ष, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद बोला जाएगा कि 10 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 वर्ष का हो जाएगा। तो यही तो बोला कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाता है, तो मोहित को वर्तमान में आने के लिए 40 में क्या करना होगा, 10 घटाना होगा ना, तो वर्तमान उम्र मोहित का निकल गया कितना, 30 वर्ष। मोहित का वर्तमान आयु कितना निकल गया, 30 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे बोला है 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना, 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो हम भी मोहित का उम्र में 10 वर्ष पहले में जाएंगे, ठीक है। तो मोहित का तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मोहित की आयु 30 माइनस 10 कर दीजिए तो कितना निकल गया मेरा, 20 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो जाएगा कि 10 वर्ष पहले मोहित का आयु कितना था, कितना होगा, 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मोहित इज इक्वल टू मोहित गुने का 2, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना निकल गया रोहित का, देखिए ये रोहित का उम्र निकल गया ना, रोहित का उम्र 40 वर्ष, ये 40 वर्ष निकला ना, ये 10 वर्ष पहले का निकला दोस्तों, रोहित का उम्र 10 वर्ष पहले का है 40 वर्ष, तो वर्तमान में आने के लिए ये 10 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए कि 10 वर्ष मतलब 40 वर्ष का है अभी हम हैं, 10 वर्ष पहले मेरा 40 वर्ष का है, तो अभी वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, 40 में 10 को जोड़ना होगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 50, 50 आपका आंसर निकल गया, रोहित की वर्तमान उम्र कितना हो रहा है, 50 वर्ष का है। अब क्लियर हुआ बबलू जी, विकी जी, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? विकी जी बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बताइए, विकी जी, चलिए इसी में हम समझाने का कोशिश करते हैं फिर से आपको।
क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु का 2 गुना है। तो जैसे बोला ना क्वेश्चन में, वैसे हम लोग लिख दिए, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु का कितना गुना था? 2 गुना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाता है। देखिए 10 वर्ष बाद ना, यहाँ पे देखिएगा, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितना है? 40 वर्ष। तो ये 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है मेरा 40 वर्ष, तो अभी में हमको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? 40 में 10 घटाएंगे तो मोहित का वर्तमान आयु निकल जाएगा ना, 30 वर्ष। इतना सा तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो वर्तमान उम्र मोहित का निकल गया मेरा कितना? 30 वर्ष। ठीक है, तो 10, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे क्या, 10 वर्ष पहले रोहित तथा बराबर मोहित की आयु कितना कितना गुना था? 2 गुना। तो हम लोग क्या किए, मोहित यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, मोहित दिख रहा था, तो हम लोग क्या किए, मोहित को भी 10 वर्ष पहले ले गए। अभी तो मोहित का आयु 30 वर्ष का हो रहा है वर्तमान उम्र, लेकिन 10 वर्ष पहले ले गए, तो 30 में 10 घटा देंगे तो कितना वर्ष का है? 20 वर्ष का है। ठीक है, तो मोहित 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का हुआ था, मोहित मोहित 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था। तो मोहित के यहाँ लिखा हुआ था ना, तो मोहित का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, उसका कर दिए क्या, गुना 2 से, तो रोहित का उम्र कितना निकल कर आ गया? 40 वर्ष। ये जो 40 वर्ष निकला ना, ये 10 वर्ष पहले का चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये 10 वर्ष पहले का चल रहे हैं। तो हमें वर्तमान में आना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहित को वर्तमान में लाने के लिए, रोहित तो पहले 40 वर्ष के थे, उसमें क्या करना है, 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो आपका 50 वर्ष आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ बिका जी, विकी जी? चलिए दोस्तों, कल से हम लोग, मुझे लगता है कि टैब सिर्फ एक ही बचा हुआ है, ठीक है, जो चलेंगे औसत पर आधारित प्रश्न। सभी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सिर्फ बचा है औसत पर आधारित प्रश्न, जो कल हम लोग सेम टाइम पर पढ़ेंगे। सो आप लोगों को मेरे चैनल पर ये वीडियो ऑनलाइन होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में फैलाइए। गुड नाइट बबलू जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास।